प्रदेश में जहां एक ओर अपराध तेजी से पांव पसार रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों पर रील बनाने की सनक सवार है। जी हां, ये सनक ऐसी कि इसमें महिला पुलिसकर्मी से लेकर सीओ साहब तक शामिल है, जिसको देखते हुए पुलिसकर्मियों की ओर से लगातार वर्दी में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाले जाने की शिकायतों पर अधिकारी सख्त हुए हैं। और ऐसे में हरदोई के एसपी ने आदेश जारी कर दिया है। दरअसल हरदोई में एसपी राजेश द्विवेदी ने पुलिसकर्मियों को वर्दी में रील और वीडियो न बनाने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं उन्होंने सोशल मीडिया पर धार्मिक, राजनीतिक टिप्पणी या पोस्ट आदि से बचने के लिए भी निर्देश पुलिसकर्मियों को दिए हैं। एसपी श्री द्विवेदी ने न्यायालय के किसी भी दिशा निर्देश के उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई के भी संकेत दिए हैं। एसपी राजेश द्विवेदी ने किसी भी पोस्ट के लिए सरकारी आचरण नियमावली का उल्लंघन न करने की सख्त हिदायत पुलिसकर्मियों को दी है। ये बेसिकली निर्देश जारी किए हैं जनपद में अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए। बेसिकली हम लोग यूनिफॉर्म्ड ड्रेस के पार्ट हैं, यूनिफॉर्म फोर्स के। कभी कभी नादानी में और नासमझी में, जो आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी प्रचलन है, कभी ऐसे कुछ वीडियोस डाल देते हैं, ऐसे कमेंट्स डाल देते हैं जो कि विभागीय गरिमा के अनुकूल नहीं है। इसी के क्रम में खास तौर से जो हमारे नए भर्ती हुए पुलिस फोर्स के लोग हैं, उनको निर्देश दिए गए कि उनके लिए क्या सोशल मीडिया पर किस तरह से बिहेव करना है, क्या नहीं करना है, इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइंस भेजी गई हैं। अच्छा, गाड़ी बैठे वो भी बना लेना। पुलिस की वर्दी में फिल्मी गानों पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल करने पर एसपी राजेश द्विवेदी ने गंभीरता से लिया है। लेकिन वहीं अब देखने वाली बात यह है कि अगर आगे भविष्य में ऐसा होता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरदोई से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।